बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। जहीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं खुद से, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, एंटरटेनमेंट वीडियोस और फिल्मों के ऊपर, ड्रामास के ऊपर रिव्यू देते हैं, एक ज़बरदस्त चैनल है। खलील रहमान कमर साहब को इंटरव्यू कर चुके हैं कई बार, आज ज़रा इनसे दो तीन चीज़ें पूछनी है। एक तो खलील रहमान कमर साहब ने अपना जो है वो जब वो उनको अगवा किया गया मुबैना तौर पर, हनी ट्रैप हुए, फिर उसके बाद जो है वो जब वापस आए तो पहला इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने नौमान इजाज और सबा कमर के हवाले से बात की और कहा है कि जी मुझे कहा गया, मैं मतलब उन जो अगवा के दौरान उन्होंने कहा अगवाकारों ने कि सबा कमर और उनका नाम लिया नौमान इजाज के, एक तो इस हवाले से बात करेंगे क्या हकीकत है, क्या इनको जो हनी ट्रैप करवाया गया था, अगवा करवाया गया था, उसके पीछे सबा कमर या नौमान इजाज का हाथ था। एक और चीज़ भी आ रही है और वो ये है कि ग्रीन इंटरटेनमेंट अगेन रेनाउंड, आपको पता है बड़े ज़बरदस्त ड्रामे होते हैं, मैं खुद भी देखता हूँ, और आजकल एक ड्रामा चल रहा है ग्रीन इंटरटेनमेंट के ऊपर जेंटलमैन, ये जो ड्रामा है खलील रहमान कमर साहब, क्योंकि इन्होंने ही लिखा है, खलील रहमान कमर साहब के साथ जितना भी मामला पेश आया है, क्या उस ड्रामे का भी इस मामले में कोई किरदार है, तो आज की इस वीडियो में ज़रा जो है बात करेंगे जहीर भाई से। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ वो छोटा सा पॉडकास्ट का एक टुकड़ा है, कोई 20 सेकंड 25 सेकंड वो आप सुन लें, उसमें वो क्या कह रहे हैं उनके हवाले से, फिर उसके ऊपर आगे जो है ज़रा जहीर भाई से बात करते हैं। जो मैं बाद में फिर मैंने की जो मैं करना चाहता था, उन्होंने बीच में नुमान इजाज का और सबा कमर का जिक्र किया, मुझे सिर्फ गुस्सा है और जिस गुस्से में मैंने उससे नफरत की और मैंने उसको उसके बाद कभी कास्ट नहीं किया, तो वो बड़ा एक्टर है, मैं उसको एज एन एक्टर मानता हूँ, सबा कमर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एज एन एक्ट्रेस। जहीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी वक्त निकाला। मैं मुझे ये बताइएगा ये क्या मामला क्या है। देखें उन्होंने कह दिया अपने इंटरव्यू में, जब भी कोई बात होती है, जब भी खलील रहमान कमर साहब, आपने तो खुद इंटरव्यू किए हैं खलील रहमान कमर साहब को, मुझे ये बताइएगा, देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी आप किसी शख्स के साथ काम नहीं कर सकते, आपके किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है। अच्छा हम एक जगह काम करते हैं, हो सकता है मेरा आपसे किसी चीज़ पर इख्तलाफ ज़रूर हो, लेकिन हम एक जगह ही है इकट्ठे। वजह क्या बनती है कि जब भी कोई बात हो खलील रहमान कमर साहब नुमान इजाज और सबा कमर को बीच में ज़रूर ले आते हैं, और फिर अभी भी कह रहे हैं कि मैंने FIR में ये चीज़ नहीं लिखवाई, लेकिन वो नाम ले रहे थे कि ये तो ये आपको क्या मामला लगता है, क्या इसके पीछे वो हो सकते हैं, क्या आपको क्या नज़र आता है? देखिए बहुत शुक्रिया इशाद भाई। एक तो खलील रहमान कमर साहब जो हैं वो उनको मैं अटेंशन सीकर कहता हूँ, मतलब गैर ज़रूरी तरीके से बीच में आ जाते हैं, हर जगह मुतनाज़ा हो जाते हैं, उनको शौक है। मेरे ख्याल में जितने कद काट के वो एक राइटर हैं और जितना ज़बरदस्त वो लिखते हैं, अब जेंटलमैन का मैं एक मिसाल देता हूँ, शायद भाई 3 किस्तें मैंने उसकी देखी पहले, और फिर इनके कुछ मुतनाज़ा किस्म के बयान आ गए नुमान इजाज को लेके, फिर वो समा वाला भी आ गया वो लड़की के साथ, तो मैंने यकीन कर लिटरली शायद भाई मैं दिल की बात आपको बता रहा हूँ, मैंने इनका ड्रामा फिर नहीं देखा उस तरह, लेकिन जब दोबारा मैंने देखा उसकी अब 13 किस्तें हो चुकी है, ठीक है, दोबारा मैंने देखा इस बंदे को दाद देने का दिल करता है, जिस तरीके से जुमलों के साथ खेलना खत्म है और एक फलसफा बयान कर देते हैं, और जो आपने बात की ना कि ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, इन्होंने ब्यूरोक्रेट का करेक्टर ग्रे एरिया में रखा है, जायद अहमद उसका किरदार कर रहे हैं, हुमायूं सईद और यमुना जो है ना, हुमायूं सईद अब छठा हुआ बदमाश है, भाई बना हुआ उसके अंदर से उन्होंने एक अच्छा बंदा निकाला है, ठीक है, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट के अंदर से उन्होंने बुरा निकाला है, ठीक है, वो ग्रे एरिया में, और जो जर्नलिस्ट है यमुना वो जैद जरनाब का किरदार अदा कर रही है, वो भी बहुत जबरदस्त, मतलब ये खत्म है। लेकिन इतने बड़े कद काठ और इतना जबरदस्त, इतना जहन वाले बंदे को कभी फेमिनिस्ट के हवाले से, कभी औरतों के हवाले से कंट्रोवर्सी, कभी जनाब सबा कमर के हवाले से, कभी माहिरा खान के हवाले से, कभी नुमान इजाज के हवाले से, अब ये जो इन्होंने नुमान इजाज के हवाले से किया, नुमान इजाज साहब जो है उन्होंने बड़े ग्रेसफुली इनको जवाब दिया था, इनका नाम भी नहीं लिया, ठीक है, ये कह भी रहे हैं कि मैं उनसे बड़ा फैमिली टर्म है और एक बहुत बड़ा अदाकार है, मान भी रहे हैं, साथ मान भी रहे हैं। अब ये देखें ना, अब आज वाले बयान को माने कि बहुत बड़े अदाकार हैं, या उस बयान को माने जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने इनके लिए घटिया का लिखा था वो किरदार, क्योंकि वो किरदार घटिया था, ये बंदा भी घटिया, उसके अंदर फिट बैठता, आप किसको माने, मतलब देखिए अपने अपने बयान अपने तो अच्छा माहिरा खान के ऊपर भी ठीक है, पहले आपने स्टांस लिया कि आप नहीं रखेंगे, जब तो वो आपसे माफी नहीं मांगेंगे आप नहीं रखेंगे, एकदम से आप अनाउंस करते हैं कि मिर्जा जाट में फिल्म बना रहा हूँ, माहिरा खान के साथ इख्तलाफ अपनी जगह, माफी अभी तक उसने मांगी नहीं है, लेकिन मैं उसको रख रहा हूँ, मतलब ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों जरूरत पड़ती है। अब मुझे जो फील आती है वो ये है कि शायद ये नुमान इजाज के ऊपर कोई शायद एहसान करना चाहते हैं इनडायरेक्ट, अच्छा, मुझे लगा ऐसे रहा okay. कि देखें क्योंकि इस टाइम इनके ऊपर प्रेशर तो है ना, ठीक है, इतना इतना बड़ा नाम और एकदम से फिर कंट्रोवर्सी, बड़े सवालात हैं, ये जो हनी ट्रैप है मैं इसको कवर कर रहा हूँ जहीर भाई, आप जो है आप मेरी वीडियोस भी देखते होंगे, जी जी बिल्कुल, मैं इसको ना बड़ा फॉलो कर रहा हूँ और इसमें इतने सारे
पुलिस आल दो खलील रहमान कमर साहब को फेवर कर रही है और बहुत सारी इनकी कई हुई चीज़ें सारी लगा रही है, बट यह कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आने, तो प्रेशर तो होगा। आप जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर तो है उसमें। अच्छा, ये चीज़ मेरे जहन में आई थी शायद भाई, ठीक है मान ले, चले वो जो ब्यूरोक्रेट वाला एंगल है वो ही मान लेते हैं, जेंटलमैन वाला। अच्छा, हाँ, लोग कह रहे हैं वो उसके, क्योंकि आपने बात शुरू की, लोग कह रहे हैं कि मे बी ये हो सकता है कि खलील रहमान कमर साहब को किसी ब्यूरोक्रेट ने हनी ट्रैप करवाया हो, क्योंकि आजकल ये ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से वो जो जेंटलमैन ड्रामा है उसमें इन्होंने सही जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को लताड़ा हुआ है, लताड़ा हुआ, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि सही, बिल्कुल वो रिश्वतखोर दिखाया है उसको, जायद को वो बड़ा मतलब बड़ा उसको दिखाया है लड़कियों के साथ। अच्छा, मैं एक मिनट के लिए इस चीज को मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है, आपको मुझे तो क्योंकि इनके पूरे बैकग्राउंड का पता है, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी काफ कंगना, और वो बनाई थी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ISPR के तावन से बनाई थी, और उसके बिल बोर्ड वगैरह भी ऐसी ऐसी जगह पे लगे थे जहाँ फिल्मों के बोर्ड नहीं लगते, ठीक है वो हुआ। लेकिन उसके बाद इनका ना एक चीज, एक टर्न आया, वो था इमरान खान की फेवर, ठीक है अब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने आ गए, इन्होंने इमरान खान वाली साइड पे चले गए, ठीक है ये हाँ, लोग मेरे, भी कह रहे हैं कि मैं भी मेरे जहन में सारा कुछ आया था, लेकिन अगेन फिर आपको कोई पकड़ के नहीं लेके जा सकता किसी लड़की के पास, ठीक है। आप कहते हैं यार मैं रातों को फिरता रहता हूँ, हम अदाकार हैं, हम डायरेक्टर इस चीज के, देखें शायद भाई इसमें कोई शक नहीं है, जितनी दफा उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है वो रात के 2 या 3 बजे दिया, लेकिन इंटरव्यू देने में और किसी यंग लड़की के पास अकेले जाके वो कर, नहीं वो कहते हैं मुझे नहीं था पता, वो कहते हैं मैं समझता हूँ घर है तो जाहिर है जैसे फैमिली जैसे पता मिलने जाता है ना, वो ये कहते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जाहिर है आपको रात को कोई बुलाए तो आप जाएंगे, नहीं मतलब मेरे में खलील रहमान कमर साहब में बहुत फर्क है, जाहिर एक बड़े वो बड़े राइटर है, डायरेक्टर है, बड़े राइटर को तो ज्यादा इत्तेआर नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं तो रातों को अब किससे क्या मिलूंगा, मतलब मेरा तो अब वो सीन नहीं है ना। नहीं, आप तो मेरे ख्याल में किसी को गाड़ी में लिफ्ट नहीं देंगे रात के टाइम, नहीं रात ऑन टाइमिंग में, अगर मतलब मेरे देखें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ना मैं खलील रहमान कमर ना मतलब मैं उतना बड़ा डायरेक्टर या एक्टर, मेरी एक्टर्स के साथ या उस तरह लोगों के साथ रात को बैठने की आदत नहीं है या मिलने की आदत, वो तो बबांगे दोल कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं, पॉडकास्ट में कह रहे हैं, और FIR में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी कहा, उन्होंने कहा यार हमारी तो रूटीन ही यही है भाई, मेरी तो वो कहते हैं शाम ही 5-6 बजे होती है, 7 बजे सुबह, ये मैंने आपको बताया, इन्होंने कभी मुझे 2 बजे से पहले, हाँ वो कहते हैं 2-3 बजे के बाद ही मेरा, ये बात ठीक है, लेकिन वो अगेन वो फर्क तो है, चले वो तो अभी इन्वेस्टिगेट हो रही है चीज मेरा, थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, मैं अगेन वो कहता हूँ और साथ में जब आप खवातीन और फेमिनिस्ट के इतना उसमें हूं, ठीक है तो फिर तो आपको ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, और ये चीज है कि ये बंदा जो है इस तरह का अपनी नौयत का एक अलग सा आदमी है, अलग सा आदमी जो प्लस पॉइंट है, एक जुमले के अंदर शायद साहब मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को कोई फलसफा बयान करते हुए, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हुए मैंने नहीं देखा, जो डायलॉग का मलका है इनको वो है, और एक्टर भी बहुत अच्छे, वो भी बहुत, आपको याद होगा इनका एक ड्रामा मैंने भी कभी देखा था दिल्ली के वाकया, आई थिंक वही ड्रामा था, तो उसमें जिसमें बाबर अली भी थे गालबन इनके साथ, तो कितना जबरदस्त इन्होंने, लेकिन सर शायद भाई मसला ये है, ये वाला बात अपनी जगह पे है, लेकिन वो सबक अमर फिर नुमान एजाज को घटिया गया देना, ये देखे ना अब वो इतने बड़े कद काट के आदमी है, इंसान के अंदर डेप्थ होती है, यस, हर चीज के ऊपर आपने एक्सप्रेसिव नहीं होना, हर कुछ चीजें बंदा अंदर रखता है ठीक है, अगर किसी के साथ इख्तलाफ भी है अंदर रखता है, आप पक्को फरिश्ता कोई भी नहीं है, ठीक है हर किसी के अंदर गलती है, तो इनको इस चीज के ऊपर, अभी आप देख लें, मैं किसी की स्मोकिंग करने या सिगरेट पीने के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखें आप किसी को पॉडकास्ट कर रहे हैं और साथ सूट लगा रहे हैं, तो मतलब ये चीज, ये आपकी जो मतलब है, किसी ने खलील रहमान कमर को नहीं देखा हो ना, आप उसको जेंटलमैन या मेरे पास तुम दिखा दो, कहेगा यार किस बंदे ने ये लिखा, लेकिन जिस टाइम वो मिलेगा, जिस टाइम देखेगा वो हो सकता है आप फिर डिसअपॉइंट हो, नहीं 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 वो मेरे ख्याल से नहीं, कहते हैं मुझे वैसे दोस्त, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कॉमन फ्रेंड्स हैं फ्रेंकली, तो वो मुझे मेरे क्योंकि मैं वीडियोस कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा यार शायद भी ये एक उनकी ज़िंदगी के एक उनके साथ हो गया एक मामला, लेकिन यह कि खलील साहब जो है वो बड़े दिल से बड़े नरम दिल आदमी और बड़े ज़बरदस्त आदमी है, मुझे उन्होंने बड़ा वाजे कहा ना, तो मैंने कहा यार देखें हम भी तो उस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, हमको खुदा न खास्ता करीमन कमर साहब जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि अदाकारी ड्रामा निगारी या लिखना, तब खलील साहब आप मतलब मैं खुद डायलॉग जैसे डायलॉग्स वो लिखते हैं या जैसे चीज़ें वो करते हैं इसमें कोई शक नहीं, बट ये है कि बहरहाल एक मुश्किल उनके लिए खड़ी हो गई है, और वो ये है कि नहीं देखें वो जो आपने बताया ना कि अंदर से नरम आदमी है, इस चीज़ की गवाही वो इस हवाले से दी जा सकती है कि माहिरा खान के साथ इख्तलाफ था, अगर उन्होंने अनाउंस किया कि इख्तलाफ के बावजूद मैं रख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी अच्छी है, फिर आप नुमान एजाज या सबक अमर का उन्होंने तारीफ भी किया नुमान एजाज, तो ये
मतलब ठीक है होंगे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें ना अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसके ऊपर देखना चाहिए अपनी शख्सियत के हवाले से। पर वो ये तो, कहते हैं कि मैं फ्लेयर अप इसलिए होता हूँ कि जब मैंने मेरी एक बर्दाश्त है, वो कहते रहते हैं अक्सर जब आप उनसे बात करें तो कहते हैं फ्लेयर अप मैं इसलिए होता हूँ कि जब मेरी एक बर्दाश्त है। बारहवीं शर्मा साहिबा के साथ उनका मसला हुआ या और खवातीन के साथ जो अक्सर बेशतर प्रोग्राम हैं, वो कहते हैं कि यार जब मैं एक हाथ या ताबूत वाला जो मामला था उसमें, वो कहते हैं यार मैं एक हाथ में तक कर सकता हूँ बर्दाश्त, उसके बाद ना मेरी फिर बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि जब इस तरह का मामला था मैं फिर नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल से देखिए मैं बताऊँ, जैसा शाहिद अफरीदी साहब को बंदा कहता है ना कि शाहिद अफरीदी उस तरह बैटिंग करे जिस तरह उसका स्टाइल है, उसको अगर आप कहते थे ना रोक के खेले वो रह जाता था। तो खलील रहमान कमर की एक शख्सियत का वो जो इंटरव्यू वाली आप बात करें उसका एक अपना खासा है, ठीक है, उसको आप नेगेटिव ले लें उसको पॉजिटिव ले लें वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन इन ये जो एपिसोड हुई है ना इससे मेरे हमें थोड़ा उन्हें नुकसान भी पहुंचा है और प्रेशर में भी शायद होंगे। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, वो इस पे कह भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, जारी बात की फैमिली तक में प्रेशर है, खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप कहीं भी जाएं किसी भी मकसद, क्योंकि जारी बात है बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम उस पर वीडियोज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेट होकर चीज़ें सामने आएंगी, जो चीज़ें सामने ऑप्टिक्स होते हैं जो सामने नज़र आ रहे होते हैं उनसे तो ये नज़र आ रहा है खातून से मिलने गए, अल्लाह रहम करे, पता नहीं लोग क्या कुछ इसके हवाले से कह भी रहे, बट ये है कि देखें इंशाल्लाह ये इन्वेस्टिगेट। लेकिन सबा कमर और उसके अलावा नुमान एजाज के हवाले से और जेंटलमैन ड्रामे के हवाले से कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा ज़हीर भाई से, क्योंकि ज़हीर भाई इन चीज़ों के ऊपर मारा, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इनके साथ ज़रा ड्रामास के ऊपर बात किया करें, अपने चैनल पे बड़ा ज़बरदस्त ये कर रहे हैं ZH के नाम से, ZH एंटरटेनमेंट के नाम से। ज़हीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे वक्त निकाला, इंशाल्लाह जी आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान से बात, अल्लाह हाफिज़।